हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैं वाला माई देखने जा रहा हूँ और वाला माई देखने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ा सा गपशप लगा लूँ यहाँ पर। और गपशप लगाते लगाते मैंने ये देखा कि यार मेरे को कल की टिकट बुक करनी है, तो मैं टिकट बुक कर लेता हूँ भीमला नायक का। और अब मेरा जो फियर था कि शायद ये हिंदी के अंदर नहीं आने वाली है, वो ऑलमोस्ट बुक माई शो ने प्रूव कर दिया। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पहले ये वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में आपने अब देख ही लिया होगा कि किस तरीके से आपको तेलुगु हिंदी लिखा हुआ तो आता है, लेकिन हिंदी की टिकट खरीदने के लिए जो मूवी कल आ रही है उसकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जो तभी इसी वजह से दिल्ली सेक्टर, जहां पर ज़्यादातर लोग हिंदी स्पीकिंग है, वहां पर दोस्तों एक भी ऐसा शो नहीं है जो हाउसफुल जा रहा हो, उसकी टिकट बुकिंग इतनी ज़्यादा एडवांस में होगी। वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि तेलुगु स्पीकिंग जो ऑडियंस जो दिल्ली के अंदर है, सिर्फ वही देखने इसको शायद जाएगी। तभी आपको हर चीज़ ग्रीन 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 ज़्यादा दिख रही है, सारी सीट्स आपको अवेलेबल दिख रही हैं। तो भीमला नायक के जो मेकर्स हैं, उन्होंने शायद तो कुछ गड़बड़ कर दी है, जिसकी वजह से ये हिंदी का ना तो हमें ट्रेलर दिख रहा है, ना तो उसकी टिकट बुकिंग अभी तक शुरू हुई है। कुछ झोल है। और अगर आप एक दिन पहले भी, एक दिन भी क्या, अब आपको पास मुश्किल से 18 घंटे बाकी बचे हैं पहला शो लाने के लिए, अगर उतने पहले भी अगर आप अपना ट्रेलर और अपनी बुकिंग नहीं शुरू कर रहे हैं, तो कुछ तो दाल में काला है। दया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका हिंदी वर्जन नहीं आएगा। और ये जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि शायद हिंदी वर्जन डिले हो जाएगा एक वीक से, वो शायद ट्रू ना हो जाए। आपको क्या लगता है कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बहरहाल, मैंने आपको वीडियो दिखाई दिया बुक माई शो का, आप खुद भी अपनी ऐप में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और रिव्यू अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।